ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਟੇਫੀ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 1 ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 60 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ BBMB ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ, 25 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮਾਲਪੁਰ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ BBMB ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਥਾਪੜ ਦੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न केंद्रों से आए प्रतिनिधि साथी, तमाम शाखाओं के प्रधान सचिव, उनकी कमेटी के साथी जो यहाँ डेलीगेट के रूप में आए हैं, जिसे आज 3 साल से ज़्यादा हो गए। हमारे संगठन का अधिवेशन 2 साल का है, पर कुछ कारणों से वो बढ़ गया और आज हम 3 साल जो ये अस्पताल है BBMB का अस्पताल यहाँ पर, वो BBMB के लिए नहीं है। आप सबके नोटिस में सभी के जो जितना कंडी क्षेत्र है, जो यहाँ का इलाका है, सब का अस्पताल है, आम पब्लिक का अस्पताल है। अगर इस अस्पताल में व्यवस्था करनी है, पहले भी इसके लिए चले, अगर आपके पास व्यवस्था जैसा इंतजाम कौन करेगा? एक तरफ हमारी जिम्मेदारी बनती है यूनियन की, यूनियन के लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसकी लड़ाई दें, और सबसे बड़ी बात कि वो मामला जितना हाईलाइट किया जा रहा है, जिस तरीके से उठाया जा रहा है, मेरा ख्याल उसमें और सहयोग दें हम सब मिलकर कि मैनेजमेंट को ये पता लग जाए ये व्यवस्था आपको करनी है, और साथ में पंजाब सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार के हिस्सेदारी है इस बोर्ड के अंदर। यह हड़ताल जो चल रहा है पंजाब की सरकार की जिम्मेदारी पर है, चाहे वो नंगल का हड़ताल हो, चाहे वो सुंदर नगर का हड़ताल हो, और चाहे वो तलवाड़े का हड़ताल हो, स्टाफ की जिम्मेदारी आपका सिर पड़ता है। अगर डॉक्टर उपलब्ध कराना है, पंजाब हेल्थ सर्विसेज जो पंजाब की है उसकी जिम्मेदारी बनती है। लड़ाई हम सब ने लड़नी है, और इस लड़ाई के साथ यहाँ का आवाम भी आपके साथ है, जो यहाँ के लोग हैं जिनको सुविधाएं चाहिए, अस्पताल की सुविधा किसको नहीं चाहिए। आज के समय में जो स्थिति है व्यक्ति की, किस तरीके से हालात है, कभी कोई कोई घटना हो सकती है, हो जाती है, आज का खान पान किस तरीके का है, हम जहर खाते हैं अंदाजा लाइएगा, जो हम बढ़िया सब्जी खाते हैं उसके अंदर पॉइजन होता है, हमने कभी गौर किया सबके अंदर? क्योंकि उसमें आज जो पैदावार हो रही है वो दवाओं के बल पर है, कीड़े ना लगे, कीड़ों को मारने के लिए उसमें दवा छिड़की जा रही है और उसको खत्म कर रही है। तो अंदाजा लगाइए कि हम क्या खा रहे हैं आजकल, तो उस हालत में तो दवा की हर वक्त जरूरत पड़ती है, कब क्या हो जाए। इस करके बहुत दुखदाई है, हम आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस अधिवेशन के जरिए पंजाब सरकार और BMB मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि इसकी व्यवस्था आप जितनी जल्दी कर सकते करिए, और नहीं इसका आंदोलन यहीं पर तय कर दिया जाएगा। आंदोलन चल रहा है अभी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कल भी ये व्यवस्था की जाए कि कल हमें क्या करना है उस बात के लेकर, और आज यहाँ तय करके, और आने वाले समय बोर्ड में, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है ये हमारे लिए, कि हमारे अस्पताल के अंदर इमरजेंसी नहीं है, कोई दिक्कत होती है, इतना बड़ा कर्मचारी यहाँ रहता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, परियोजना है, हम कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट देश का गौरव है, लिखा जाता है राष्ट्र गौरव, पढ़िए आप, राष्ट्र गौरव लिखा जाता है, और सबकी बात यहाँ पर है कि हमारे अस्पताल के अंदर सुविधा नहीं दी जा रही है, कितना बड़ा अस्पताल हमारे पास पड़ा हुआ। तो इस करके साथियों, ये हम सबको तय करना है, ये इस तरह के मामला साथी यहाँ लड़ रहे हैं, और हम सबको लड़ाई देनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। बात सुनिए, बिना दावे एक ऐसा माध्यम है कि हम बात कुछ कहना चाहते हैं, घरों के अंदर बात होती है, हमारे कर्मचारी का इशू होता है, इनको नॉलेज होती है। अभी आप OPS की लड़ाई देख रहे हैं, OPS की लड़ाई में अगर रोल बढ़िया अदा किया है तो प्रेस वालों ने किया,
पुष्पांजलि ने अपनी कलम के द्वारा उस लड़ाई को बहुत आगे पहुंचाने का प्रयास किया। आज सरकार की सीटों में आपने देखा अंतर आया, सबको मालूम है। वो प्रेस का तरीका रहा, प्रेस को लड़ाई दी। तो हम सब ये गौर करें कि कलम में कितनी ताकत है, प्रेस रिपोर्टर किस हालत में लाठी चार्ज हो रहा है तो सह रहे हैं, कहीं पर कोई इनके पर दिक्कत पर किसी किंदा अत्याचार हो रहा, कहीं का समय पत्रकारों पर क्या होता है। पिछले समय आपने गौर किया कैमरे तोड़ दिए गए थे, मालूम है सबको, बहुत बड़ी स्थिति पैदा की थी, बावजूद उसके प्रेस वाले नहीं हटे। कितने साथी हमारे शहीद हो चुके हैं, तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज भी ये निवेदन इनसे लिए और ये दुआ भी करूंगा यहाँ पर अपनी इस कलम के द्वारा सभी आ गए हैं, सभी आ गए जो आप आगे बात ले जा रहे हैं, आप ये बात पहुंचाते जाइए। आज के समय में ये ध्यान रखिएगा, आप पर आज के आवाम की तमाम जिम्मेदारियां हैं, जनता की जिम्मेदारियां हैं। जनता इतनी जागृत नहीं है, वो मैसेज आप पहुंचा सकते हैं, उनको तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और इस समय में हमारे साथियों ने प्रयास किया है कि हम इनका दिल से धन्यवाद करें, जहां करते हैं वहीं सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। अपने भाखड़ा दास आईटीसी की तरफ से व्यवस्था की है, तो मैं निवेदन करूँ लोग जी और इनके साथ जो हमारी टीम है साथी, हमारे सेंट्रल काउंसिल के साथी, साथी लखनऊ जी भी इससे मिलकर ये मैं नाम पढ़ देता हूँ। सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा हमारे सम्मानित दीपक ठाकुर जी पंजाब में ट्रिब्यून से हैं, ये इनको ये सब के उनके साथी दीपक ठाकुर जी का जो पंजाबी ट्रिब्यून जो हमारे अखबार है उसके स्नातक और सब हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता अपने बंदे को। बाकी साथियों साथी दस के गए ने, साथी हरी सिंह जी और मान जी भी, ये प्रोग्राम समापन सेगा ये क्यों चेंज होया। साथियों पहले दो साल का साल बद गया, जंग पानीपत में इलेक्शन रखा गया, पानीपत के चलो जनरेशन वाले साथी नहीं आए, चलो कोई गल नहीं फिर अभी ट्राई की नहीं जा, फिर जो रख दिता गया टाइम जरा दो बड़ी मीटिंग असं जनरेशन दीतियाँ साथी नहीं आए। तो आडे सामने 22 की मीटिंग हुई, उसके विच की निकलिया की नहीं, कंटैक्ट वाले साथियों का सारा कुछ जो कुछ भी है सारा कुछ तो जानू। बाकी साथियों जो दीपक कुमार द्विवेदी ने आ जरा किया, किसी को पुछया नहीं, किसी को पुछे ना, लोग गड्डिया में आ रहे तो स्थगित कर दिता धरना। इस पैसा असी भी यही सोचा भी नहीं असी जरा बाइक थोड़े सामने किदा किया साथी मोहन लाल जी हरी सिंह गलबात हुई है, कहते 22 तरीक का ही करना 23 नहीं होने ली। मैं साथियों का रूप लाल धमान का हरी सिंह का जी मेरी टीम का सारे मैजूदा गलबात की जूट मैंने सुरक्षित से देना कहना करना जिदा मर्जी हो जाए असं लौट होगा। नई टीम आ रही है सरगर्म टीम, क्योंकि BBMP का इतिहास है कि पौड़ी वाले लड़ते हैं। तो सब तो पहले मैं बेनती करांगा साढ़े जेडे सीनियर साथी रिटायरी साथी आए न, साथी गुरनाम जी, करमचंद जी, दीवान जी अगे स्टेज पर आन, होर जो रिटायरी साथी जिन्हों का मैं नाम नहीं पता, सारे अगर बेनती रिटायरी साथी स्टेज पर आ। नमस्कार जी, मैं सोनू थापर लाइव पंजाब में। तो जिवें कि अज तलवाड़ा बाखड़ा ब्यास इंप्लाई यूनियन ए टैक वालों 14वां अधिवेशन करवाया गया है, अजो प्रोग्राम का आयोजन किया गया, आओ उन्होंने गलबात करते थे लीडरशिप बारे जानकारी। बाखड़ा ब्यास इंप्लाई यूनियन एटेक का 2 साल में चुनाव होता है और एक कमेटी 2 साल के लिए बनती है, जिसमें हमारी टीम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सारे सेंटर हैं। BBMP का इतना बड़ा सेंटर है, वो सभा तमाम सेंटर से हमारे वर्कर आते हैं यूनियन के डेलीगेट चुनकर, और उनमें से टीम चुनी जाती है, टीम इस करके कि अगले 2 सालों के लिए हम अच्छा काम कर सकें। तो आज यहाँ पर हमारे बीच में जो आए सर्वसम्मति से बहुत बढ़िया तरीके से हमारा अधिवेशन हुआ यहाँ पर, और
लगभग यहाँ पर 16 सेंटर से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। और इस कमेटी इसमें हमारे आज प्रधान का पद चुना गया, प्रधान साथी अशोक कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी साथी सुरेश कुमार जी, फाइनेंस सेक्रेटरी साथी लक्ष्मी चंद जी, और इनके साथ ही हमारे 4 डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, 4 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट, 1 लीगल एडवाइजर, इस तरीके से एक टीम तैयार की गई है। और टीम इसलिए कि कर्मचारियों के कामों को बखूबी निभाया जाए, उनको कराया जाए, मैंने उनके साथ मिल करके। टीम का मतलब सिर्फ ये है कि बढ़िया तरीके से काम करें। और यहाँ पर जो अधिवेशन किया गया, 2 साल में हमने अपना लेखा जोखा किया कि हमने पिछले समय में कुछ काम किया है वो संतोषजनक है नहीं है, और उसमें हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए गल की थी। तलवारा बीबीएमबी हॉस्पिटल एमरजेंसी ने जी बंद हुई थी पिछले 10 दिनों से, बारे तुम की कहना चाहेंगे? आज के इस अधिवेशन में जो यहाँ पर इमरजेंसी बंद का कड़ा विरोध किया गया है और उसकी निंदा की गई है कि बीएमबी का इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, और जिसमें इतने बड़े वर्कर काम करे हजारों की संख्या में, जिनकी सुविधा के लिए अस्पताल चलाया गया था, आज ये बड़े दुख की बात दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, 2 डॉक्टर है इमरजेंसी नहीं चला सकते। आज ये फैसला किया गया कि इस अस्पताल में जो इमरजेंसी सुविधा है उसको तुरंत बहाल की जाए, अगर बहाल नहीं करते हैं तो भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉयज यूनियन किसी भी हद तक आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगी, और जहां तक हो सकता है आने वाले दिनों में हम इसकी वार्ता बोर्ड बनने में से करेंगे या अगले हफ्ते ही, जिससे इसका कोई समाधान निकले। और पंजाब सरकार के साथ भी वार्ता मैनेजमेंट खुद करे कि जिम्मेदारी पंजाब सरकार की भी, पंजाब सरकार इसका हिस्सेदार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है इसका हल निकाले। और क्योंकि ये अस्पताल आवाम के लिए, आम जनता के लिए, यहाँ कंडी क्षेत्र है ये, क्योंकि खासकर बीएमबी कर्मचारियों के लिए नहीं है, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा तमाम उन आम लोगों के साथ मिलकर, अगर ये व्यवस्था सुधारी नहीं जाती है, अस्पताल में डॉक्टर सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इसमें छेड़ दिया जाएगा, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम इस अस्पताल की सुविधा को बहाल नहीं करवा पाते हैं। इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से हमने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी 18 फरवरी 2024 को बोर्ड मैनेजमेंट के साथ एक विस्तृत बैठक हुई, मान्यता प्राप्त यूनियन की बैठक होती, जिसमें कर्मचारियों के तमाम मांगों को माना गया, जिसमें कर्मचारियों को इंसेंटिव दिया जाना है, जो हमारे कंटिजेंट हमारे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं इनके रेगुलराइजेशन का मामला है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे जो बस सर्विसेज का मैटर है, इसके अलावा जो और बात तमाम सुविधाओं को लेकर प्रयास किया जा रहा है, उसमें मैंने इनको कहा गया था कि इसका निकाला जाए, इस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का है पीएफ कटना है, जबकि नियम कहता है कोई कर्मचारी 30 दिन काम करता है उसका पीएफ कटना चाहिए, मैनेजमेंट के पास एक पॉइंट बताया 30 दिन का समय लिया था इसको लागू कर देंगे, तो हमने इनको कहा कि उसको लागू आप करिए, अगर ये तमाम मुद्दे हैं, फिक्सेशन का मामला है, कर्मचारी जो पेंशन है उनके तमाम फिक्सेशन के मैटर पर, तमाम डिफरेंसेज उनकी सैलरी के अंदर, उनकी पेंशन के अंदर डिफरेंसेज हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर तय किया गया अधिवेशन में कि मैनेजमेंट को ये कहा जाए कि इन मांगों का निपटारा किया जाए, अगर नहीं करते हैं तो यूनियन ने तय कर लिया है कि हम 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक बीबीएमबी के सभी सेंटर पर रोज सप्ताह मनाएंगे, पोर्टल सहेलिया करेंगे, और उसके बाद हमारा कार्यक्रम यह होगा कि हम 18 नवंबर को पानीपत में फुल डे कार्यक्रम करेंगे, और 25 नवंबर को भिवानी में, और 2 दिसंबर को हम जमालपुर का कार्यक्रम देंगे। और इसके साथ ही हमने ये भी तय कर लिया है कि बड़े प्रोग्राम के लिए बड़ा सेंटर नंगल हमारा, जहां पर हमारे 2 चीफ होते हैं, चीफ जनरेशन, चीफ इरिगेशन, एफएनसीओ का दफ्तर है, वहां पर हम 9 दिसंबर को एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, और 16 दिसंबर को सुंदरनगर, क्यों हमारा वो हेड ऑफिस है चीफ इंजीनियर बीएसएल, वहां बैठते वहां किया जाएगा, और फिर 23 दिसंबर को फिर तलवाड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। अगर मांगों का निपटारा फिर भी नहीं होता है तो बोर्ड चेयरमैन चंडीगढ़ जो हमारे बैठते हैं 19 सेक्टर में, वहां पर हम एक बहुत बड़ा पूरे बोर्ड लेवल का कार्यक्रम करेंगे। ये हमारे इस अधिवेशन का आज का फैसला है। जो कर्मचारियों की संख्या घट रही है, हम लगातार प्रयास करें कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी है कि बीबीएमबी पंजाब हरियाणा राजस्थान का बोर्ड है, इनका हिस्सा है कर्मचारियों का, ये हिस्से के कर्मचारी आप उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर बीएमबी में, चाहे वो क्लास 1-2 के कर्मचारी हैं, क्लास 3 के कर्मचारी हैं, ये प्रयास करते हैं कि हम अपने कर्मचारी बोर्ड से भेजें, पर वहां से कर्मचारियों की संख्या कम है, बीएमबी को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं, फिर भी हमारा ये प्रयास है कि बीबीएमबी अपने कर्मचारियों को पूरा करने के लिए, जो कर्मचारी आज हमारे पास लगभग 12,000 से ज्यादा सेंशन स्ट्रेंथ है, पर हमारे पास आज प्रेजेंट में जो इन पोजीशन कर्मचारी काम करें 5,000 के लगभग कर्मचारी काम करें,
इतनी बड़ी संख्या कम है और प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारियों की संख्या को पूरा किया जाए। अगर नहीं पूरा किया जाता है तो ये जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है उसी दिशा में एक हिस्सा रहेगा बाकायदे कि कर्मचारी संख्या को पूरा किया जाए और जो हमारी व्यवस्थाओं में दिक्कत आ रही है, कर्मचारियों के लिए काम करने में सुविधा आ रही है, कर्मचारियों का काम का बहुत ज्यादा है, उसका समाधान निकाला जाए। नहीं तो लड़ाई हमारी और तेज होगी और कड़ी होगी, आंदोलन का रुख और तगड़ा किया जाएगा, ये हमारा फैसला होगा। उसके बारे असी जो है प्रोग्राम प्रोटेस्ट पहला भी किया, हूँ भी अज भी साढ़े है कन्वेंशन जो अनाउंस किया गया जो एमरजेंसी है जब तक बहाल नहीं तो भाखड़ा ब्यास इंप्लाई यूनियन इस तरह जो है प्रोटेस्ट करती रहेगी जदों तक बहाल नहीं होंगे। बूटी जी जी है सारी जी कुछ लगे हुए हैं पिछले मिले थे तो उन्होंने कुछ बढ़ा दी है, तो बूटी जी है बिल्कुल सब तो पहला बूटी का जोड़ा है तलवाड़े की चीफ इंजीनियर इतों सारे जोड़ा है ट्रैक्टर या होर भी बंदे लगा के करानी चाहिए है। तो मैं यही चीफ इंजीनियर अगर कहना कि जी बूटी तलवाड़े की है जी है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो इस बीमारियां भी फैल रही हैं, तो बूटी जी जल्द से जल्द जी करवाई जाए। उस तो बाद अगला साढ़ा यही है जिदा जिस तरह इंसेंटिव है साढ़ा इंसेंटिव जोड़ा है जो मसला है जो नहीं करवाता तो बोर्ड अभी प्रोटेस्ट जोड़ा दे देता है, नहीं तो अभी बोर्ड ऑफिस के जोड़ा है अगला नैक्सट जो धरना दिता जाऊगा उसके कंटैक्ट का कर्मचारियों का जोड़ा सा 28 की मीटिंग है साथी मोहन लाल जी ने दसिया है उसके मुताबिक सारा जोड़ा है नोटिस दिता जाऊगा, तो जे नहीं किया जाएगा तो बोर्ड के अंदर चंडीगढ़ के दिता जाऊगा। राजस्थान का मसला है स्केलों का वो भी जिन्ना भी है सारा गोल्डन जुबली के दो तनखाह इसके उत्ते सारा जोड़ा है असं प्रोटेस्ट करा। पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, लाइव टीवी का पंजाब न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय समय पर कर्मचारियों की मांगों को बोर्ड तक के सरकार तक पहुंचा रहे हो। अगली रणनीति यही है कि कानूनी सलाहकार हमारे मोहन लाल जी कामेड़ जी प्रधान जी शिव कुमार जी ने आपको बताई दिया, मेरी तो आपका चैनल के माध्यम से यही है कि चेयरमैन साहब चीफ साहब जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं चाहे राजस्थान की है राजस्थान के कर्मचारियों का पे स्केल देने का है या कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की मांगे पीटीएस के कर्मचारियों की समय बढ़ाने की या डीसी रेट सेंटर का देने की और इंसेंटिव और जो आज तक हमारी कमेटी मीटिंग होती थी जीपीएफ के ब्याज पे ब्याज ट्रस्ट की मीटिंग होती थी वो मीटिंग देके ना तुरंत उसमें फैसला करे, अन्यथा मजबूरी है कि हमारा एजिटेशन शायद हो सकता है बोर्ड सरकार तक चले। ये भी चेयरमैन साहब से इस चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से विनती है कि कर्मचारियों की मांगों के ऊपर ध्यान दे, बार बार वादे करके ना पीछे ना आते, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अज 22 सितंबर 2024 भाखड़ा ब्यास इंप्लाई यूनियन एटक एफी का 14वां अधिवेशन जिहड़ा तलवाड़ा टाउनशिप च जिहड़ा कि हर 2 साल बाद यूनियन संविधान अनुसार किया जाता वो इत्थे मनाया गया जिते बी जिहदे विच यूनियन के BBMB के लगभग सारे स्टेशनों विचों डेलीगेट डेलीगेट प्रधान सैकटरी पहुंचे। चोन के बारे जानकारी साढ़े यूनियन के कानूनी सलाहकार कामरेड मोहन लाल वर्मा जी तुहानूं डिटेल दस्सो। मैं सर गुरनाथ सिंह जनरल सैकटरी आल BBMB ट्रैवल यूनियन नंगल। हाँ रिटायरी के जोड़े रिटायरमेंट ड्यूज आ उन्होंने बहुत डिले किया जाता सी BBMB बोर्ड वालों कई केसा तो जो पेंशन से 2-3 साल बाद साथी पेंशन लग गया से उन्होंने बाकी ड्यूज जोड़े से बहुत अनड्यू डिले किए जाते इस करके सू जथेबंदी जोड़ा है वो जथेबंदी बना के सू संघर्ष करना पाया। जोड़ा कोई बेनीफिट रिटायरी मिल गया वो मिल गया जो फाइल पै रहेगा वो पै रहेगा ये हालत बन गई सी BBMB के
इस करके सानू जथेबंदी बना के संघर्ष करने की जरूरत है। इस तो बिना भी साढ़े जेडे पेंशन रिवाइज हुई हैं 1-2016 तो उन्हों का जो एरियर है वह बोल नहीं दे रहा। साडा जो लीव इनकैचमेंट रिटायरी है वह पुराने बेसिक के पुराने स्केल से मिल रहा। साड़ी ये भी डिमांड है कि कैशलैस मेडिकल स्कीम जी रिटायरी से और कंपलाई से लागू होनी चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये ना तो कुछ नहीं बनता। मेडिकल दिए जो खर्चे ने वो इन्ने ज़्यादा जोड़े है बढ़ गए। इस तो बिना बहुत सारे क्वार्टर खाली पे ने, रिटायरी क्वार्टर ही दे सकते हैं। ये भी साड़ी डिमांड है कि रिटायरी क्वार्टर जोड़े है दिते जाने। इस तो बिना जो मान सरकार रिटायरी का वही गल ये जो कि साथी दफ्तर जाता तो उन्होंने जो आनर मिलना चाहिए है वो जो है वो नहीं मिलता है। तो होर बहुत सारे मुद्दे जो पंजाब सरकार से जुड़े ने जो कि पंजाब सरकार को मिलता है वो ही सानू मिलता है। इस करके इस असी जथेबंदी बना के तो असी संघर्ष के मैदान में आ और साडा ये प्रोग्राम बन रहा कि असी BBM के एम्पलाइज और BBM के रिटायरी, क्योंकि साड़िया 90% जो डिमांड ने साड़िया समस्यावां ने वो साड़िया सांझियां ने। तो असी आने वाले समय के रिटायरी तो पेंशनर जो सारे ने असी मिल के संघर्ष करांगे तो बोर्ड से यह दबाव पावगे साड़िया जिन्हें भी मंगा ने जो प्रॉब्लम साड़िया ने वो सॉल्व की जाए। सानू इस गल का दुख हुंदा कि BBM के किसी टाइम से 18,000 आदमी काम करता सी, अज बहुत मुश्किल नाल 5-6,000 जो मुलाजम जाएगा वो भी बहुत वड्डी गिनती जी कटैक्ट ते आउटसोर्स ते साथी काम करते हैं पे। ये जनरेटर सैक्टर बिजली पैदा करता है, ये साडे मंदिर ने जो साडे देश नूं सनांदे ने, परंतु इहदी जिहड़ी हालत वेख के सानू अज दिल दुखी हुंदा बहुत। इतने क्वार्टरां दी डिपार्टमेंट दी जिहड़े काम करने वाले अदारे ने उन्हां दी बहुत माड़ी हालत है। ये डिपार्टमेंट चल नहीं रहा, ये सहकदा है, सहकदा चल रहा है। तो असी यह भी संघर्ष करेंगे कि ये खाली पोटा सारिया भरी जाए, इतने जरा निजीकरण वड्डे पद्धर से हो रहा है उन्होंने रोकया जाए और वड्डी पद्धर से भर्ती करके सारे काम जोड़े है डिपार्टमेंट कराए जाए। यह साडा संघर्ष है, यह साडा आने वाले समय